नांदेड़ शहर से हवाई सर्विस एक बार फिर शुरू हो चुकी है। आज नांदेड़ से हैदराबाद और कड़पा के लिए ट्रूजेट के हवाई जहाज ने उड़ान भरी। मरकजी हुकूमत के उड़ान उड़े देश का हर शहरी के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शिमला से लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मस्कूरा हवाई सर्विस का आगाज किया। इस तकरीब में रियासती वजीर पंकजा मुंडे, कांग्रेस के रियासती सदर अशोक राव चौहान के अलावा बीजेपी और कांग्रेस के कई खदावर कायदीन मौजूद थे। नांदेड़ से हवाई सर्विस एक बार फिर बहाल हो चुकी है। मरकजी हुकूमत के उड़ान उड़े मुल्क का हर शहरी के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज शिमला से लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मस्कूरा खिदमत का आगाज़ किया। नांदेड़ एयरपोर्ट पर मुनक़िदा इस तकरीब में रियासती वजीर पंकजा मुंडे, साबिक वजीर आला अशोक राव चौहान, MLC अमर राजुरकर, रुकन असम्बली DP सावंत, रुकन असम्बली हेमंत पाटिल के अलावा कांग्रेस और बीजेपी के कई बड़े कायदीन मौजूद थे। मस्कूरा तकरीब में कांग्रेस और बीजेपी कारकुनान के दरमियान हुआ नारेबाजी का कंपटीशन भी देखने लायक रहा। दोनों सिमत से एक दूसरे पर सबकत हासिल करने की पूरी पूरी कोशिश की गई। वाजे रहे कि मस्कूरा हवाई सर्विस का आगाज़ फ़िलहाल मुंबई के लिए नहीं है, 1 मई से मुंबई के लिए भी खिदमत शुरू किए जाने की बात कही जा रही है। ते विमान चालू करण्याचं आपण प्रधानमंत्र्यांचं भाषण ऐकलं असेल, प्रधानमंत्र्यांनी पण सांगितलं की ते मुंबईचं सेक्टरसुद्धा चालू करणार आहेत। आता साहजिक आहे, जिथे आपण बसनी जातो, रेल्वेने जातो, तिथे कमी पैशाने जातो, पण कमी वेळेत जाता येत नाही। ज्याच्याकडे 1000 रुपये खर्चायची ताकद आहे पण त्याला ते सुविधा उपलब्ध नाही, त्याच्यासाठी ही सुविधा आहे। आणि ज्याला जर हैदराबादला जायला किती तास लागतात, इकडनं 3 तास लागतात, ज्याला अर्धा तासात जायचं त्याच्यासाठी तिथे, पण त्याची चॉईस आहे ना, काही जबरदस्ती त्याच्यामध्ये नाही आहे। ही जी ती हे मुंबईवर येणार व्यक्ती हैदराबादला याच्या माध्यमातून, मुंबई एअरपोर्ट फार बिझी एअरपोर्ट आहे, तो स्लॉट उपलब्ध करून देऊन ती विमानसेवा सुरू करण्याचं प्रधानमंत्र्यांनी स्वतः जाहीर केलेलं आहे। आणि जेव्हा ते जाहीर करतात तेव्हा ते करतात, असा अनुभव आता देशाच्या जनतेचा आहे, म्हणून देशाची जनता त्यांना कौल देत आहे। आपण हे पाहतात सर्व जीवन।